कांग्रेस से नेते चेन्नीथला आत्ता बोलता है पाहूया का क्या हाल है सर, सांगली का क्या हाल है? सांगली में इतने नागपुर के जैसे हीट नहीं है, थोड़ा कम है सर, लेकिन वो पॉलिटिकली वहाँ हीट ज्यादा हो गई। अभी विश्वजीत कदम नाराज है, वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हैज बैडली फेल्ड टू यू नो नेगोशिएट विद इन द महाविकास आघाड़ी। आप लोग नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जितनी सीटें थी उतनी भी आप लोगों ने जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दे दिया। देखिए, आपकी ये विफलता नहीं है कांग्रेस पार्टी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब एक अलायंस की बात चल रहे हैं, वो अलायंस में हर पार्टी अपना जो डिमांड्स पेश करते हैं और बात करके उसको समाधान करेगा। देखिए, अभी बीजेपी एनडीए का भी सीट अभी तो डिक्लेयर नहीं किया है, किया है तो इसमें अलायंस में थोड़ा तो हर पार्टी अपना अपना डिमांड रखेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और एनसीपी, हम लोग तीनों मिलकर के इसका समाधान करेंगे। एक विशाल पार्टी, विशाल पार्टी जी ने योर अलायंस पार्टनर्स आर नॉट फॉलोइंग द अलायंस धर्मा, गठबंधन धर्मा का पालन नहीं किया जा रहा है। देखिए, उसको ठीक तरीके, देखिए मकसद क्या है, बीजेपी को हटाने की है, देश को बचाने की है। इसलिए देश को बचाने के लिए हमको एकजुट होकर काम करना है, इसलिए महाविकास आघाड़ी का गठन हमने की है। इसके जो हर पार्टी के अपने अपने डिमांड होते हैं, हम बातचीत के द्वारा इसका हल करने का कोशिश हो रहे हैं। और कांग्रेस के हालाकमान, ये मैटर अभी कांग्रेस के हालाकमान के सामने है, जल्दी से जल्दी उसका डिसीजन हो जाए। चेन्नीताला जी, ये बताइए, विशाल पाटिल ने अभी लेटर भी निकाला है कि हम कांग्रेस की तरफ यहाँ से लड़ेंगे, ऐसे लेटर भी निकाला है सांगली से, उन्होंने एक लेटर लिखा है। नहीं नहीं, वो तो उनका डिमांड है, वो पूछ रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने कोई डिसीजन लेगा, वो सबको उसको स्वागत करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। सर, शरद पवार जी ने भिवंडी का कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, कल नाना पटोले बोले कि शरद पवार जी से बात हुई थी, उसके बावजूद भी कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो अब आघाड़ी धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको बताते हैं, हर पार्टी अपना अपना डिमांड आगे रखते हैं, बातचीत के द्वारा उसको सुलझाने का काम हम लोग कर रहे हैं। सांगली का हल, सांगली हो, भिवंडी हो, बॉम्बे हो, उसका समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए। अनेक पक्ष एकत्र आले की कुरबुरी होतातच, पण संवादातून यावर आम्ही समाधान काढू असं चेन्नीथला यांनी म्हटलेलं आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।